नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। अपने इस पर्यटन सीरीज के इस वीडियो में आज हम आपसे बात करेंगे जहानाबाद जिले और वहां के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दर्शनीय स्थल के बारे में, और इसके साथ ही आपको वहां की सैर भी करवाएंगे। जहानाबाद जिला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्व वाला क्षेत्र है। प्रसिद्ध पुस्तक आईनाए अकबरी में इस स्थान का जिक्र किया गया है। औरंगजेब की बहन जहान आरा की स्मृति स्थान का नाम जहान आराबाद पड़ा, तो कालांतर में जहानाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों की। सबसे पहले हम बात करेंगे बराबर की गुफाओं के बारे में। यह गुफाएं जहानाबाद जिले के मखदूमपुर ब्लॉक में स्थित है। मौर्य काल से संबंध रखने वाली ये गुफाएं लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व पुरानी है। बराबर गुफा के पास एक और अन्य गुफा भी स्थित है, नागार्जुनी गुफा, जो बराबर गुफा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 3 गुफाओं का समूह है और बराबर गुफाएं जहां मुख्य गुफाओं का एक समूह है, दोनों ही गुफाएं एक ही समय की है, इसलिए इन्हें एक साथ सतघर के रूप में भी जाना जाता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई यह प्राचीन गुफा हमें सीधे मौर्य वंश के काल में ले जाती है। बराबर पहाड़ी पर मुख्यतः 4 गुफाएं हैं, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, करण चौपर और विश्व जोपरी एवं नागार्जुन की जो 3 गुफाएं हैं वो है वापिया का कुभा गुफा और गोपी गुफा। बराबर पहाड़ी की चोटी पर बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर स्थित है, जो काफी लोकप्रिय है। प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण बराबर पहाड़ी पर्यटकों के लिए सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ सालों भर पर्यटकों की भीड़ लगती है। पुरातात्विक महत्व वाली ये गुफाएं पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है, इसीलिए आप यहाँ जरूर जाएं। दूसरा है हजरत बीवी कमाल साहिबा का मकबरा। यह मजार काको प्रखंड में स्थित है। हजरत बीवी कमाल का मूल नाम मखदुमा बीवी हटिया उर्फ बीवी कमाल है। उन्हें देश की पहली महिला सूफी संत होने का गौरव हासिल हुआ है। कहा जाता है कि वर्ष 1174 में बीवी कमाल अपनी बेटी दौलती बीवी के साथ काको आई थी। यहां आने के बाद से ही वो काको ही रह गई। उनके मजार पर शेरशाह तथा जहां आरा जैसे मुगल शासक ने भी चादर पोशी कर दुआएं मांगी थी। फिरोज शाह तुगलक जैसे बादशाह ने भी बीवी कमाल को महान साध्वी के तौर पर अलंकृत किया था। बीवी कमाल के मजार पर आज भी लोग रूहानी इलाज के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि ये इस मजार के पास एक अति प्राचीन कुआ है, जिसका इस्तेमाल फिरोज शाह तुगलक ने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए किया था। यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से सूफी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र और नेपाल के विभिन्न शहरों से अकीदतमंद शिरकत करने पहुँचते हैं। आगे हम बात करेंगे कौवा डोल के बारे में। कौवा डोल एक पर्वत का नाम है जो सिद्धनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। बौद्ध धर्म में शीलभद्र कहे जाने वाले इस पर्वत के बारे में यह जनश्रुति है कि जहां पे एक चट्टान इस तरह से रखा हुआ था कि कौवा के बैठने से डोलने लगता था। वानावर या बराबर की पहाड़ियों के तलहटी में वानावर महोत्सव ठंड के मौसम में मनाया जाता है। यह मखदूमपुर स्टेशन से 9 किलोमीटर पूर्व स्थित है। तो दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थल में हमने आज आपको जहानाबाद जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।